जय गुरु जी। आज का दिन 31 मई बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। मतलब आई थिंक ये दिन ना, मेरे को ऐसे लगता है कि हमने तो देखा है, 2007 के अंदर जो हुआ था, बट आई थिंक आप लोगों के इतना बड़ा दिन है कि गुरुजी ने चोला छोड़ा, मतलब, और उसके बाद संग उनको बुलाया, ब्लेस करने के लिए बुलाया, उनको अपने पास कैसे बुलाया, जरिए बनाए उन्होंने, सब बनाया। वही मैं कह रही हूँ ना कि जरिया उन्होंने बनाया, शायद उस वक्त सामने, आई थिंक यस, ब्लेस्ड है वो लोग, उन लोगों को जिनको दर्शन दिए, जिनको अपने सामने बुलाया। पता नहीं है कोई अगले पिछले करम या गुरुजी खुश हो गए होंगे हम लोगों से, या वैसे बुला लिया होएगा। मुझे तो खुद नहीं पता कि क्या किया होएगा गुरुजी, कौन से जन्म में या इस जन्म में कुछ ऐसे किया होगा कि आपने दर्शन दिए। वही ना, उस दिन की बातें याद करते हैं कि गुरुजी ने दर्शन दिए, दर्शन दिए। बट एक महीना पहले से गुरुजी ने 2007 के अंदर बोलना शुरू कर दिया था मेरे हस्बैंड को कि अपने भरा नु लेके आ, संगत वडा, अपने क्या कहते हैं रिलेटिव्स को लेके आ, अपने पड़ोसियां नु लेके आ, दुकान दे जितने भी दुकानदार है उन्हें लेके आ। नहीं ध्यान दिया कि क्यों बुला रहे हैं गुरुजी, लेकिन वो कहते थे कि ना मजाक मजाक में, मैं ना बृहस्पति की पूर्णमासी नु चला जावांगा, बृहस्पति की पूर्णमासी नु चला जावांगा। नहीं समझ में आया पूर्णमासी, हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया पूर्णमासी कब होती थी, क्या होता था। लास्ट डे, लास्ट संगत उन्होंने 27 तारीख को लगाई, 27th संडे था, संडे को था। वहां गई, जब वहां लंगर किया, लंगर मतलब गुरुजी वाज एक्चुअली वेरी क्वाइट, आईज बंद थी, मतलब आई डोंट रिमेम्बर कैसे बैठे थे, लेकिन वो ना बात नहीं कर रहे थे किसी से, बहुत क्वाइट थे। वहां मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद जब हम लोग बाहर गए, लास्ट डे संडे को लास्ट संगत थी, उसके बाद संगत नहीं लगती थी थर्सडे तक। तो आई थिंक लास्ट टाइम जब मत्था टेका ना, हम बाहर गए, बाहर जाके ना एक अंकल खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि अंकल राम राम करते जाओ, गुरुजी ने कहा है। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि क्यों कहा, मतलब सोचते रहे सोचते रहे। मेरे हस्बैंड कहते राम राम करते जाओ, क्यों क्यों कहा, नहीं समझ में आया क्यों कहा, राम राम करते जाओ। मतलब रास्ते से ना, वहीं से जैसे एम्पायर स्टेट के बाहर ही अंकल खड़े हुए थे, उन्होंने कहलवाया होएगा, क्यों कहलवाएगा, लेकिन बोला नहीं कुछ, लेकिन समझ में भी नहीं आया। दिमाग ऐसा बंद कर रखा था, समझ में नहीं आया। मंडे गुरुजी संगत नहीं लगाते थे, ट्यूसडे, और ये बात क्लियर करूंगी, उनको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन संसार में शरीर के अंदर एक पावर आई है, तो संसार के तौर तरीके से गए हैं, सिर्फ सरसरी तौर पे। मतलब ये बाद में ना ज्यादा हमने पूछा नहीं, लेकिन माली भैया और अमिता दी ने जो बताया वो मैं आपको बता रही हूँ, कभी शेयर नहीं किया, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें, हमने पूछा भी नहीं गुरुजी को क्या हुआ था। थर्सडे के दिन सुबह कॉल आती है कि गुरुजी ने ना, गुरुजी समाधि ले रहे हैं, मरे मंदिर आओ दर्शन करने के लिए, गुरुजी समाधि ले रहे। हमें ये भी नहीं पता था कि समाधि लेना, कहता है गुरुजी ने चोला छोड़, तब चोला छोड़ दिया नहीं बोला जाता था, गुरुजी समाधि ले रहे हैं, बड़े मंदिर आओ। हम लोगों ने ये प्रिज्यूम किया कि शायद वो कुछ टाइम के लिए ना ध्यान में जा रहे हैं, और शायद आगे संगत नहीं लगाएंगे, इस वजह से आज बुलाया जा रहा है कि आज आखिरी बारी दर्शन कर लो। थर्सडे हुआ, थर्सडे गए वहां, वहां गए तो वहां मेन हॉल बंद था दिन में, और बाहर ना काफी लोग बैठे हुए थे, बरामदा था ना, वहां बैठे हुए थे, वहां साइड पे पत्थर पे, और नीचे सारे बैठे हुए थे और रो रहे थे। हम वहां गए, मतलब ब्लैंक एकदम, कुछ नहीं समझ में आया क्यों रो रहे हैं, हिम्मत ही नहीं थी किसी से पूछो। और शब्द चल रहा था कि सतनाम श्री वाहे गुरु, ये चल रहा था जगजीत सिंह का। तो वहां जाके बैठ गए हम भी, वेट करते रहे वेट करते रहे। 1 घंटे के बाद आई थिंक शायद एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस के अंदर ब्यूटीफुल वाइट कलर के बॉक्स के अंदर गुरुजी लेटे हुए थे, हमें लगा जैसे सो रहे हैं, लिटरली ऐसे लग रहा था, आंखें बंद, स्माइल, हाथ ऐसे,
इट वॉज ब्यूटिफुल, लग नहीं रहा था कि क्या हुआ, हम देखते ही रह गए। वो गाड़ी जो थी ना वो नीचे बेसमेंट में, वहां से नीचे बेसमेंट है, शिव जी के पीछे से नीचे चली गई और वहां से फिर पीछे के रास्ते थे शायद उन्होंने मेन हॉल के अंदर राइट इन द सेंटर, आप बताओ झूमर के बिल्कुल नीचे गुरु जी को वहां पे रखा उन्होंने, और फिर उन्होंने दरवाजा खोला कि आओ मत्था टेक लो। मत्था टेका वहां पे, ऐसे गोल चक्कर मार के मत्था टेक के बाहर निकल रहे थे, ऐसे जितने थोड़े लोग बाहर बैठ रहे थे, काफी देर तक बैठे रहे, समझ में नहीं आया। आप यकीन नहीं करोगे, वीडियोस लिए, क्योंकि मना नहीं किया जा रहा था उस दिन की वीडियोस मत लो, वीडियोस लिए, फोटोग्राफ क्लिक करी थी गुरु जी की, उस नहीं लेनी चाहिए थी आई नो उस पोजिशन में गुरु जी की, लेकिन ब्लैंक थे, मतलब ब्लैंक एकदम क्वाइट की क्या हुआ, मतलब कैसे चले गए, क्या हो गया ऐसे एकदम से, कैसे अभी तो ठीक थे बिल्कुल, संडे को बिल्कुल ठीक थे, क्या हो गया गुरु जी ऐसे कैसे चले गए। मतलब हम लोग उस इंसान ऐसे सोच रहे थे कि यार इनको तो कोई बीमारी भी नहीं थी, जैसे होता है ना कि ऐसे कैसे चले गए। थर्सडे के दिन पूरा दिन ऐसे चलता रहा, बापूजी आए, सबने मत्था टेका वहां पे, बापूजी ने भी उसी हिसाब से अपने बेटे के मत्था टेका, सारा कुछ चलता रहा चलता रहा, रात को रात भर चलता रहा। और आपको ये बात बताऊंगी मैं, इससे पहले के 15 दिन पहले गुरु जी का मैसेज आया था अमिता जी के थ्रू कि ना लंगर का सामान भेजना है। आप यकीन नहीं करोगे, उस लंगर के सामान के अंदर पता है क्या था, चाय पत्ती, चीनी, ये पोचे होते हैं ना, ये पोचे, बाल्टी, वाइपर और हाथ धोने वाले डिटॉल जो होते हैं वो, ये सारी चीजें थी। तो संजय उस दिन रात को आया, कह रहे यार आज ना लंगर में ना पर्चा अजीब था, हमने कहा क्या, कह रहे उसमें ना दाल नहीं थी, कोई ये क्या कहते आटा नहीं था, कुछ नहीं था उसके अंदर, ये चीजें थी। मैंने कहा ये तो हमारी दुकान पे नहीं होती, कह रहे बता नहीं अमिता दी ने कहा था कि गुरु जी ने ये मंगवाया है खास, उनको पता था ना गुरु जी को क्या क्यों मंगाया था। 1 महीने तक यही यही चीजें लगी है, सिर्फ चाय मिली हमारे को, चाय प्रसाद मिला। थर्सडे को रात भर गुरुजी को वहां लिटाया गया, उसके बाद फ्राइडे को मॉर्निंग में मेरे ख्याल से दोपहर को आई थिंक बहुत संगत बाहर से आनी थी, डुगरी से रिलेटिव्स ने आना था, सबने आना था, दोपहर को उन्होंने राइट इन द सेंटर शिव जी के पास उन्होंने सारे वर्ल्डली रिचुअल्स के हिसाब से ना, मतलब गुरुजी ने सब कराया उसी हिसाब से जैसे एक इंसान चले जाता है वो कैसे जलाया जाता है क्या, मतलब मैं ये बोलना चाहती, लेकिन गुरुजी ने सब उसी हिसाब से करवाया शायद ये कि। और आप यकीन नहीं करोगे, जब आखिरी उनको जैसे उनके शव को आग लग रही थी ना, लग नहीं रही थी, मैंने खुद देखा वहां खड़ी होकर, मैंने कहा यार यार गुरु जी दिख रहे थे और आग लग रही थी ऐसे, जैसे आग लिपटे बहुत ज्यादा ज्यादा थी, जैसे ही लिपटे ज्यादा आ रही थी सारे हो बड़े मंदिर के अंदर फ्रेग्रेंस, ओ माय गॉड, ऐसे जैसे किसी ने स्प्रे छिड़क दिया हो, इतना परफ्यूम, इतना ज्यादा गुरु जी की फ्रेग्रेंस ऐसे फैली हुई थी, अरे कहाँ से आ रही ऐसे। सडनली बाद में माली भैया ने बताया था, वो ना भागते हुए कहीं गए और ना चंदन की लकड़ी लेकर आए, और 7 लकड़ियां थी, उन्होंने ना गुरु जी के चारों तरफ वो डाला, और विद इन 5-10 मिनट्स आई थिंक, आई डोंट नो, ज्यादा भी हो सकता है, वो गायब हो गए अंदर। मतलब बिल्कुल गुरु जी का ऐसा नहीं था कि हमारे को दिखाई दिया कि आग लगी है या काला हुआ, नथिंग, ऐसे गायब हो गए। मैंने खुद देखा था, आई थिंक वीडियोस ली थी, मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा फोन उसके बाद चोरी हो गया था, और शायद गुरु जी नहीं चाहते थे कि मैंने याद करना है तो ऐसे याद मत कर। और मैं ये बातें इसीलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि क्योंकि मुझे नहीं याद करना उनको, क्योंकि वो अगर आ, आ, उस शरीर के अंदर से निकले है ना, तो उन्होंने मुझे तो वैसे ही दर्शन दिए हैं, खुली आंखों से आज भी दर्शन देते हैं, दिए है उन्होंने, तभी खड़ी हूं। तो इसलिए कह रही हूँ कि बाद में माली भैया से पूछा या अमिता दी से पूछा था, अमिता दी क्या हुआ था, कह रही कुछ नहीं, ट्यूसडे वेनसडे को शायद थोड़ी सी खांसी हुई थी, हंसते थे, हमने कहा गुरु जी डॉक्टर को दिखा लो, थोड़ी खांसी तबीयत ठीक नहीं है, ये वो करके
आई थिंक सुधा आंटी ने कहा होगा, सब सबने कहा डॉक्टर तुम्हारी ना डॉक्टरी फेल हैगी। मैंने कहा है ना मैं चला जाऊंगा। अरे मजाक में करते थे वो बातें, यकीन नहीं आता था कि मजाक कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। लेकिन वेनेसडे की रात को आई थिंक उनको लेके गया था एम्स में, वो खुद खड़े होके व्हील चेयर पे बैठे। अमिता दी ने थोड़ा एक्सप्लेन किया था मेरे को, वही बता रही हूँ। तो मैंने विजुलाइज किया और खुद हंसते हंसते गाड़ी में बैठे, गाड़ी में से उतर के खुद उठ के व्हील चेयर में बैठे, तुम्हारी डॉक्टरी फेल हैगी, मैं कह रहे हैं ना मैं चला जावा। अंदर गए और शायद लेटे थे बेड पे, आई डो नॉट नो। माँ अली भैया ने शायद थोड़ा बताया था कि ऐसे चले गए, बस ऐसे धुआं निकला और ही जस्ट वेंट। इट वॉज नॉट दैट कि वो बाद में डॉक्टर्स ने अपना किया होगा, जो किया होगा करते ही हैं सारे डॉक्टरी इलाज, जो भी जो वट एवर दे डिड, आई थिंक गुरु जी जस्ट वेंट। और उन्होंने शायद ऐसे फैलना था इसलिए गए, इसलिए क्योंकि उन्होंने इतनी संगत को उन्होंने ब्लेस करना था आप सब लोगों को जिन्होंने उनको नहीं देखा है। कभी मन में ये मत सोचना कि हमें नहीं ब्लेस किया, वो ज्यादा ब्लेस्ड है। आप गुरु जी कहते थे कि जब ये मेरे लिए कोई सोचता है ना पीछे से भेज देता हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ मत सोचिए। यही हम खुशकिस्मत है कि हमने खुली आंखों से भगवान के दर्शन धरती पर करे है, और ये खुली आंखों से भगवान ने बुला लिया, चाहे स्वरूप में ही दर्शन दे रहे हैं, दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि वो दे रहे हैं। सारे व्हाइट कपड़ों में डेली बड़े मंदिर रात को जाना शुरू किया, डेली वहां दिए जलते थे, बैठते थे, सिर्फ चाय मिलती थी, चाय और जल चाय, बाथरूम यूज, सारी वही सेवा शायद गुरु जी ने जो करवाई आगे, उनको पता था क्या हुआ क्या नहीं, वो होता रहा। फिर उसके बाद जब नीव वहां की समाधि की मनाई गई, वहां बापू जी ने जोत जगाई, वो जोत आज भी जग रही है और गुरु जी उस जोत के अंदर है, उस जोत के अंदर है। महासमाधि पहले कवर्ड नहीं थी, धीरे धीरे कवर हुई है क्योंकि धूप के अंदर गर्मी लगती थी, ऐसे खुली थी पहले, धीरे 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 सब ये बनाया गया। अब इतना टाइम हो गया तो और ज्यादा रेनोवेशन रेस्टोरेशन हो के और ज्यादा इम्प्रोवाइज होता चला गया हमारी संगत की आंखों के लिए कि कितने सुंदर तरीके से गुरु जी लेटे हुए हैं। तो ये चीज थी, वो जोत आज भी जग रही है, बापू जी ने जगाई थी। एक महीने के बाद डुगरी गए थे, डुगरी के अंदर वहां अखंड पाठ था, वहां गए थे, वहां लंगर, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि सब लोग लंगर, वो लंगर कराना है, लंगर करा सबने। ऐसा कुछ नहीं था, और ऐसा कुछ नहीं था कि हम कहते हैं ना कि बरसी बनाते हैं गुरु जी ने, मतलब मेरे को नहीं लगता बरसी बनाई जाती है। ये है कि 31 को गुरु जी गए हैं और आप देखिएगा अखंड पाठ होता है आज भी। अगर डुगरी आज नहीं खुला है हम सबके लिए, हम सारे डुगरी जाते हैं, डुगरी जाके हमने यही देखते हैं कि लंगर बार पेट लंगर कराया जाता है, सब कराया जाता है, संगत कितनी आती है। गुरु जैसे हम लोग गुरु के बिना अधूरे हैं ना, वैसे पता है गुरु भी हमारे बिना अधूरा है। वो भी कहता है कि आई मिस यू। ये है, ये वाली चीज होती है तो लगता है कि हाँ डुगरी गए, एक महीने बाद वहां जाके देखा इतनी संगत थी वहां, मेहरान हमने कहा रही तो दिल्ली में इतनी नहीं थी बसों की, बसे इतने लोग। बहन जी को पहली बारी देखा वहां पे, सारे वहां सारे गुरु जी के रिलेटिव्स को देखा, बापू जी को, सबको वहां देखा, गुरु जी का रूम देखा वहां, उनकी ईट जहाँ पे उनका घर था पुराना, पीछे की तरफ वहां लेके गए, वहां उनकी ईट वगैरह सारी चीजें मतलब देखी, मतलब समझ में नहीं आया तब क्या हो क्या गया, ये नहीं समझ में आया क्या होगी, कैसे चलेगी। ही वॉज वेरी यंग, और ऐसे कैसे एकदम से कैसे चले गए और क्यों चले गए। हम तो यही सोचते रहे कि यार कमाल है, बात ही नहीं करी, और हम लोग ये सोचते रहे कि यार अब हम क्या करेंगे, अब हम किससे बात करेंगे, हमारे पास मैसेजेस कैसे आएगी, सेवा का क्या होगा, मतलब बहुत क्वेश्चंस होते हैं ना। बड़े मंदिर का क्या होगा, एम्पायर स्टेट बंद हो गया था कुछ टाइम बाद, आई थिंक संगत भी सारी ना एकदम एकदम हैरान हो गई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, समझ भी नहीं आया क्या हुआ। मतलब गुरु जी सनली पूर्णमासी की बृहस्पत को 31 मई 2007, दैट डे वॉज
मैं क्या हूँ, मैं ये तो नहीं बोलूंगी बहुत बहुत बुरा दिन था, आई थिंक आज मैं ये कहूंगी बहुत अच्छा दिन था, क्योंकि कितने लोग ब्लेस हो रहे हैं आज इस हालत में, कितने लोग सत्संग सुन रहे हैं। और मैं सिर्फ आज एक बात बोलूंगी कि मैंने उनको देखा है, और मैंने उनको देखा इसलिए आज मैं कह सकती हूँ कि हाँ भगवान है, क्योंकि उन्होंने तब भी मेरी हर चीज पूरी करी है बिन मांगे, और आज भी पूरी कर रहे हैं बिन मांगे। कैसे कर रहे हैं वो जानते हैं, जिंदगी दी है उन्होंने, तो वही ना कहते हैं ना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, है ना, वो वाली चीज है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, और आप कभी ये मत सोचना गुरु जी नहीं है, वही वाली बात होती है ना, वो एक हंसराज हंस का बहुत अच्छा वो है, कहते हैं ना, कॉन्वर्सेशन बिटवीन गुरु एंड यू। तो मैं ये पूछता हूँ, जैसे मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ कि मैंने कहा तेरा पता, उसने कहा हर दिल में हूँ, मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि आप कहाँ हो पता दो, कि मैंने कहा तेरा पता, मतलब तो गुरु जी को कह रहे हैं, उसने कहा हर दिल में हूँ, मैंने कहा देखा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी, मतलब भगवान ने कह रहे तेरी किस्मत है, तूने नहीं देखा, हर दिल में बैठा हूँ, एक जोत जग के बैठा हुआ हूँ, हर संगत में बैठा हुआ हूँ, हर संगत में बैठा हुआ हूँ, और तूने नहीं देखा तो ये तेरी किस्मत है। फिर उसके बाद मान लो भगवान पूछते हैं, जैसे गुरु जी पूछते हैं कि क्या खाएगा, कहते हैं ना उसने कहा क्या खाएगा, मैंने कहा तीरे नजर, हम ये कहते हैं ना गुरु जी एक बारी देख लो, एक बारी देख लो, आपकी नजर पड़ जाए बस हमारे ऊपर, कृपा कर दो या कुछ दे दो, मतलब देखो नजर बढ़ने का भी डिफरेंस है, नजर बढ़ने का देख लो, प्यार कर लो, सवाल का जवाब दे दो, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए ना उसने कहा क्या खाएगा, मैंने कहा तीरे नजर, उसने कहा मर जाएगा, अगर भगवान ने कहा मर जाएगा, और मैंने कहा झगड़ा जाएगा, झगड़ा इसलिए कैसे जाएगा, देखो झगड़ा इसलिए जाएगा अगर मैं मर गया, मुक्ति मिल गई, है ना, मुक्ति मिल गई तो झगड़ा ही खत्म, मेरी इच्छाएं, मेरी ख्वाहिशें, मेरी नीड्स, मेरा ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। कि वो कह रहा है कि तू मर जाएगा अगर मैंने तेरी तरफ देख लिया, कि वो कह रहा है ठीक है देख ले, कर दे जो करना है, झगड़ा ही खत्म है फिर तो, जैसे कहते ना टंटा खत्म, देख ही लो एक बारी, फिर उसके बाद मुक्ति दे देना बस, फिर वारे न्यारे आपके पास ही रहूंगा आगे, ये जन्म जन्म खत्म, मुक्ति दे दो, मतलब लिटरली लोग आज की डेट में, या कि यार गुरु जी एक बारी देख लो बस, मुक्ति दे देना, आपके पास ही रहे, जाने के बाद आपके पास रहे, और एंड गुरु जी इज ऑलवेज अ रिवर्स साइकोलॉजी हर चीज के अंदर, आप कभी ध्यान देना। मैंने वैसे ही एक दिन बैठी हुई थी, सोच रही थी, मैंने गुरु जी एक बात बताओ, मैं ऐसे बैठ के ना उनसे बातें करती रहती, बातें करती रहती हूँ मैं, जैसे ना मैं ऐसे नहीं कि बातें करती कि मेरे को जवाब देंगे, लेकिन बातें करती रहती हूँ, जो मन में आता है उन्हीं को बोल देती हूँ। मैंने कहा एक बात बताओ, 7th को आपका बर्थडे है, ठीक है ना, 7 जुलाई आपका बर्थडे, हाँ, और 7 जुलाई आपका बर्थडे है, आप पैदा हुए डुगरी में, हाँ आप पैदा हुए डुगरी में, 7 जुलाई डुगरी के अंदर आप पैदा हुए, तो आप वहीं से आप पैदाइश हुई, तो आपका बर्थडे वही बनाना चाहिए, है ना, बड़े मंदिर बनता है क्यों। और दूसरी बात, 31st महा समाधि आपकी, महासमाधि दिवस आप आखिरी जो था वो आपका बड़े मंदिर हुआ था, ठीक है ना, ये मेरा पर्सनल है, आपका बड़े मंदिर हुआ, लेकिन महासमाधि दिवस मनाया जाता है डुगरी में, दिस इज रिवर्स, मतलब जहां पैदा हुए थे वहां बर्थडे नहीं मनाया गया, और जहां उन्होंने समाधि लिया, चोला छोड़ा, वहां उनका महासमाधि दिवस नहीं बनाया जाता है। आई थिंक वो उन्हीं को पता होगा, पता नहीं, उसके बाद रैंडमली, इट वाज नॉट दैट इट वाज डिसाइडेड बाय एनीबॉडी, इट वाज ही हु डिसाइड्स, संगत के दिमाग में डाल देते हैं ये करना है ये करना है, ठक 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 करके वो करने लग जाते हैं, यही चीज होती है, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले, जब उसने हमारे को ना, वो कहते ना, कहते गॉड इज द बिगेस्ट पपेटियर, वो पपेट्स की तरह हमारे को नचाते रहते हैं, बस ये है कि उंगलियों पे पपेट, उनकी इशारे की उंगलियों पे नाचना सीख लो, कर लो, जो करा रहे हैं एक्सेप्ट करो,
जैसे बिठा रही है, जैसे करा रही है, उसको एक्सेप्ट करो, हर इंसान से प्यार करो, कोई निंदा नहीं कुछ नहीं। आई थिंक गुरु जी क्लास तो स्टार्ट ही हो गई है कोरोना के बाद, क्योंकि एबीसी तो किसी के साथ कुछ हो ही नहीं रही है। नो एबीसी, नो अब्यूजिंग, नो ब्लेमिंग, नो कर्सिंग, कुछ हो ही नहीं रहा। अकेले ही हो, अपने आप को ही ब्लेम कर रहे, ओहो ये हो गया, ये हो गया, हमने ही कर दिया, है ना, यही चीज हो रही है। और हर चीज उनकी कि दिमाग रख दो, रख ही रखा है दिमाग, क्या सोचना क्या करना कुछ नहीं पता। समय आ रहा है, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, सारी चीजें होती है, सारा कुछ होता है। लेकिन कोई चीज होती है ना कि हाँ, माली भैया ने एक बात बोली थी, जैसे वो चंदन की लकड़ियों का बात बता रही ना, वो पूछा था, तो एक दिन माली भैया का ना थोड़ा मूड होता है तभी वो बोलते, नहीं तो ऐसे नहीं बोलते, उनका हुक्म होता है गुरु जी का। इस वजह से कहते हैं कि एक हफ्ता 10 दिन पहले गुरु जी ने कहा था कि पीछे ना माली लकड़ी दे पेड़ है गे, जा कटवा के पीछे रख दे। तो कहते गुरु जी क्या करूं, लकड़ियां काट दे, साथ रख लकड़ियां रख ले, गुरु जी क्या करूं, कह रहे काम आएगी बात, ये चीज बोला था। और उस दिन यही हुआ जब शायद महासमाधि दिवस में गुरु जी का नहीं आग नहीं पकड़ रहा था उनका शरीर, तो उन्होंने लकड़ियां ला के रखी। एंड आई डिड, मैंने ना वीडियो लिया था और मैंने फोटोग्राफ बहुत क्लिक करी थी, जिस तरीके से उन्होंने लकड़ी रखी थी ना, एक शेषनाग ऐसे आया और ऐसे ना उनको समेट के लेके, आई सॉ दैट। एंड मैंने क्लिक भी किया था, एंड गुरु जी ने मेरा वो फोन आई थिंक महीने बाद ही तो वो गया, कहीं रह गया था, और मेरे हस्बैंड के फोन के अंदर भी था, उसके फोन की मेमोरी डिलीट हो गई थी। ये गुरु जी करते हैं, कहते मैं था, मैं हूँ, मैं नहीं रहना है, इत्थे कोई गद्दी नहीं चलती। इसलिए वो है, जब भी उनको जरूरत होती है वो तुर जाते हैं। कहते 80 की को किसी की लोड नहीं आएगी, 80 नु बोझ नहीं लगाओगे, लोड नहीं आएगी, की लोड आएगी। प्यार दा भुखा, जो संगत प्यार करती है ओदा भुखा हूं, पीछे पीछे लग जाऊंगा। ये चीजें होती है, पता है गुरु जी कराते हैं, सब वही कराते हैं और कुछ नहीं है। हर साल डुगरी जाना स्टार्ट हुआ, आज नहीं गए, बस एक ये वाली चीज है। लेकिन कोई बात नहीं, गुरु जी आ गए हैं, सारा कुछ लास्ट के अंदर उन्होंने 2 दिन गाना जरूर एक बार सुनना एंड विजुलाइज करना, लग जाएगा। 2 दिन उन्होंने, मतलब अमिता दी ने मेरे को बताया था कि ना 2 दिन तक कॉन्टिन्यूस वो जाती थी डेली सेवा, गुरु जी ने उसको कहा था डेली सेवा कर, तो जाती थी, कहती कहते थे कि 2 दिन यार ये लगा दे, ये लगा दे। और ना बहुत शांत, थोड़ा सा ना उदास, ये गाना सुनते थे, लग जा गले। उसके वर्डिंग्स ऐसी है कि फिर कभी मुलाकात हो ना हो, शायद इस जन्म में ना हो, वो ही चीज है वो। शायद आप ये देखो, अगर हम ये सोच सकते हो और हम आज ये रो रहे हैं, जब नहीं हो फिजिकली, उस वक्त उनको कैसा लग रहा होगा जब वो शरीर में थे, कि मैं अगर जा रहा हूं तो संगत है, मैं उसको छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत कम टाइम के लिए आया था, मैं अपनी फाइल खुद कट के आया था। ये सारी बातें पढ़ी है, समझी है कि हाँ हो सकता है गुरु जी ने ऐसे ही कहा होगा, बहुत कम टाइम के लिए मैं अपनी फाइल खुद कट के आया हूँ, खुद आके ब्लेस करने आया हूँ, मेरी जान तो बाद संगत आएगी, बदूगी इतनी बदूगी कि लाइना लगेगी, चांद भी नजर आओगे, नजर सब कुछ हो रहा है, वही वाली चीज ना। मतलब ये चीजें होती है, नहीं समझ में आता, दिस इज नॉट दैट आई एम क्राइंग, दिस इज प्यार है कि बस। हाँ याद आ जाता है आज के दिन ना, कि उनको देखा था तो आज के दिन गए, क्यों गए, थोड़ा सा टाइम और गुरुजी अपनी फाइल चला लेते, 10 साल और चला लेते, आज होते। वह है आई नो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सामने थे तो होता है ना, बट सामने होते तो फटाफट कुछ भी बोल देते, डांट देते। आज उस डांट की हम वो करते हैं, यार गुरु जी डांट डांट ही दो, मैं तो यही कहती हूँ गुरु जी डांट ही दो मेरे को, कुछ तो बोलो, डांट रही हो कम से कम, बात तो कर रहे हो, बात तो कर रहे हो, बाद विच सेवा करनी है, हर चीज पूरी करी है आपने, सेवा का मतलब क्या होता था नहीं पता, थैंक्स टू यू बड़े मंदिर बुलाया, बुलाने के बाद लेकर ऊपर तक, अंदर से लेकर बाहर तक,
हर जगह की हर तरीके से प्यार से गुस्से में आके डांट के सेवा करवाई आपने हर चीज से। आई थिंक इसलिए लगता है, और आई थिंक मेरे को तो वही लगता है कि मैंने उनको देखा है, अभी देखा था मैंने उनको 18 में भी, तो मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। यस आई डिड सी हिम, आई डिड सी हिम, तो वो है और हम सबके साथ है। आप ये मत सोचना मेरे साथ है, उसके साथ है। और एक बात और बोलूंगी, सिर्फ सत्संग सुनिए और उसको लेके जाइए, ये मत सोचिए कि उस इंसान के साथ जुड़ेंगे हम, ये मत कीजिए। इंसान के साथ नहीं जुड़ोगे, गुरु पीछे हो जाएगा, कहेगा ठीक है उसके साथ जुड़ ले, उसी से पूछ ले। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यस इवन आई एम गेटिंग क्वाई कॉल्स और ये सब कुछ, तभी मैंने डिसाइड किया आई थिंक टुडे इज द लास्ट डे तो ऑनलाइन लाने का। आई एम सॉरी बट आई थिंक शायद गुरुजी का ही ये हुक्म है, इसलिए कह रही हूँ कि संगत सत्संग सुनिए, उनकी सत्संग को अंदर लेके जाइए, सत्संग जो कर रहा है उसको मत लेके जाइए, उसके पीछे मत भागिए। वो बैठे आंखें बंद करो, जवाब देंगे, जवाब लेने की जरूरत नहीं है, जवाब देंगे। कैसे देंगे वो जानते हैं, ये नहीं कि कैसे देंगे अब ये भी हम नहीं बताएंगे, हर तरीके से देते हैं, जवाब देते हैं हर तरीके से देते हैं, जैसे लगेगा किसी शब्द में, किसी गाने में, किसी भी चीज में दे देते हैं। एक वो गाना याद आ रहा है, मतलब मैंने उस दिन नहीं बोला था कि मेरे को जब लगी थी एक दिन, मैंने रोते रोते कहा था कहाँ हो यार, एक बात बता दो, दिखाई नहीं देते, बात नहीं करते मेरे से। तो राज का एक गाना है कि रात तेरी, एक बंदे ने यूट्यूब के अंदर मेरे को, वैसे मेरे को नहीं भेजा था, यूट्यूब मैंने ऑन किया, उसके अंदर वो कह रहा था कि गुरुजी का संगत था, कह रहा है बाहर से था, यूएसए का था बंदा, पता नहीं कौन, कहता है कि गुरुजी दिस सॉन्ग इज फॉर यू। अब देखो शब्द इज नॉट फॉर यू, उसने गाना डेडिकेट किया, गुरुजी दिस इज फॉर यू। वो गाना था राज आंखें तेरी, कुछ बयां कर रही है, सुन रहा है दिल खामोशियां। वो वाली चीज है ना, इनकी आंखें बोलती है और क्या सुन रहे हैं हम, इनकी खामोशियां। कुछ कहो ना सुनो, हाँ पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है ये गहराइयां। यही चीज है, अगर इश्क हो गया ना गुरु से तो गहराइयां समझ में आ जाएगी, कि यस प्यार का मतलब समझ में आ जाएगा, उनसे उनके हर इंसान से प्यार करना समझ आ जाएगा, ये चीज है। और उसके अंदर फर्स्ट स्टैंजा दैट दैट मैन सेड, कि फर्स्ट स्टैंजा आप ध्यान से सुनना, इज डेडिकेटेड लाइक मैं गुरु आपको कह रहा हूँ, और सेकंड स्टैंजा गुरु कह रहा है। उसके अंदर सेकंड स्टैंजा बहुत क्लियर है कि गुरु जी कह रहे हैं कि मैं चलूंगा साथ तेरे, साया बन तेरा। तो साया जो होता है ना, शरीर से अलग नहीं होता है, आप चाहे अंधेरा कर लो चाहे उजाला कर लो, वो नहीं होएगा अलग। तो इसलिए साया बन के मैं तेरे साथ चलूंगा, इस जहां में या उस जहां में, कोई नहीं अब तेरा, है ना, ये उन्होंने कहा। हाँ रात आएगी तो सुबह लाऊंगा, मौत आएगी तो लड़ जाऊंगा। ये चीज दैट वाज ब्यूटिफुल, दैट वॉज ब्यूटिफुल, कि मौत आएगी तो लड़ जाऊंगा। दैट आई थिंक गुरुजी प्रूफ कि अगर मौत आएगी तेरे पास भी, मैं खड़ा हूंगा, मैं लड़ूंगा। एंड ही डिड फाइट फॉर मी, यमराज से लड़े, सब लड़े। आई थिंक शायद अब नहीं, क्योंकि ना मेरी डॉटर बहुत गुस्सा होती है कि मामा आप रो भरते हो बहुत ज्यादा। आई थिंक, और आप सबको महासमाधि दिवस कोशिश कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, और ये मत सोचिए मंदिर कब खुलेगा कैसे खुलेगा, मां नहीं जा रहे तो ब्लेसिंग्स नहीं है, नहीं है, गुरु जी आ गए हैं, बैठे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल मत सोचिए। हाँ यस, एक महासमाधि दिवस भी बाकी सारे दिवस के तरीके से बनाया जाता है, कोई दुख में नहीं बनाते हैं हम, उसी हिसाब से बनाते हैं। महात्म समाधि दिवस डुगरी के अंदर भी उतने ही सजता है, उतना दरबार लगता है, ब्यूटीफुल सजता है, ईशा लगाती है, और वैसे ही बड़े मंदिर, जिस तरीके से बड़े मंदिर सारे फंक्शंस होते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वैसे ही महासमाधि डुगरी में होता है। और उसके बाद
एवरी फर्स्ट संडे डुगरी के अंदर सत्संग होने लगे, बहुत लोग जाने लग गए, लोगों को पता लगा कि एक छोटे से पिंड के अंदर गुरुजी ने गुरुजी ने वहां पैदा हुए। तो देखो कितना सिंपल था, हमारा भगवान हमारा गुरु चाहते तो बहुत बड़े राजे रजवाड़े के यहाँ पैदा हो सकते थे, उनका उनका क्या था, वो तो कुछ भी भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे, कहीं भी पैदा हो जाते। नहीं, बहुत प्योर सोल्स ली थी दो बार माता जी, उन्होंने वहां वो जगह ब्लेस्ड फैमिली ब्लेस्ड पीपल एवरीबडी के वहां पैदा हुए हैं वो। और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने वहां से संगत के बीच में आ गए कि मेरी शायद वो आए इसलिए थे कि मैंने संगत को ब्लेस करने आया हूँ, और कुछ नहीं, और कुछ मांगा भी नहीं, ना पैसा ना रुपया, जो जो देता था कर लेते थे, जो जैसे रखते थे, जो जिस जिस जब जब भगवान कहता है कि सर तुम लोग जिस हाल रख रहे हो मैं रह रहा हूं, तो हम क्यों नहीं, एक बात बताओ ना, हम क्यों नहीं, हम भी तो वैसे ही रह सकते हैं कि जिस हाल में अब आप रखोगे, कुछ दो तो सही, उनको साथ देंगे, कुछ दो जो वो मांग रहे हैं, वो तो कुछ नहीं मांग रहे, वो कह रहे देख लो बस कि गुरुजी कैसे रहते थे, कैसे क्या था, वैसे ही करना शुरू कर दो और पालोगे गुरु को, क्योंकि बहुत वेल गंदा टाइम आ गया इसलिए कह रही हूँ। और ये टाइम बहुत ज्यादा मतलब ये जो जुड़ गया ना वो जुड़ गया, मतलब दैट इज ऑल योर कॉल, दैट इज ऑल योर कॉल, ठीक है ना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, एंड शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों को ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिए हुए नंबर पर आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। संगत जी, हम आपका सत्संग फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगत जी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।